फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आरसीसीबी टेस्ट स्विच वायरिंग कैसे करते हैं यह देखेंगे। ये हमारे पास टू पोल की आरसीसीबी है। इसके चार टर्मिनल है, दो इनपुट टर्मिनल और दो आउटपुट टर्मिनल। ये सिंगल फेज के लिए यूज की जाती है। आरसीसीबी में आपको दो स्विच मिलेंगे फ्रेंड्स, एक होता है ऑन ऑफ स्विच और दूसरा होता है टेस्ट स्विच। हम इसमें एक एक्स्ट्रा टेस्ट स्विच की वायरिंग करने वाले हैं। वो इसलिए करने वाले हैं फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हम ये वाला जो टेस्ट स्विच दबा दबा करके आरसीसीबी को ख़राब कर लेते हैं, उसमें हमारा ये जो टेस्ट स्विच है काम करना बंद कर देता है। हमारी जो आरसीसीबी वो बहुत कॉस्टली होती है। तो एक तो ये आरसीसीबी की प्रोटेक्शन के लिए, और दूसरा क्या होता है, कई बार क्या होता है आउटपुट में लीकेज करंट में हमारी आरसीसीबी ट्रिप नहीं करती है, और यहाँ से ये वाला टेस्ट स्विच हम पुश करके टेस्ट करते हैं तो ये ट्रिप कर जाती है। तो ये जो एक्स्ट्रा हम टेस्ट स्विच लगाने वाले हैं उससे ये हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। और अब कर लेते हैं हम इसकी वायरिंग। आपके घर में या तो पहले से आरसीसीबी लगी है या फिर लगवाने वाले हैं, तो उसके साथ में आप एक टेस्ट स्विच जरूर लगाइए। वो बिल्कुल कम कॉस्ट में आपका लग जाएगा और आरसीसीबी की प्रोटेक्शन आपको की बनी रहेगी। तो पहले हम इसमें इनपुट फेज और न्यूट्रल लेके आते हैं। इनपुट फेज वाली वायर आरसीसीबी के फेज वाले टर्मिनल पे। आप आरसीसीबी के कनेक्शन करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए, इनपुट फेज और न्यूट्रल फेज वाले टर्मिनल पे और न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे लगाना है। अगर आप इसको उल्टा लगाओगे तो आपकी आरसीसीबी जो है वो ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये हमारे एनर्जी मीटर से फेज और न्यूट्रल आएगा, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे जो घर का लोड है, घर की लोड वाली जो वायर है वो हम कनेक्ट करेंगे आरसीसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे। इधर न्यूट्रल वाला टर्मिनल है, तो ब्लैक कलर की वायर हमारी न्यूट्रल है। लोड की जगह हम बल्ब होल्डर का यूज कर रहे हैं। ये कनेक्ट हो गई यहाँ, और लोड वाला जो फेज वाली वायर है वो रेड कलर की है, इसको हम फेज वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। ये सिंपली हमारे जो कनेक्शन होते हैं हम ऐसे करते हैं, ऐसे हम कनेक्शन करते हैं। और अब हम इसमें एक्स्ट्रा टेस्ट स्विच के कनेक्शन करने वाले हैं। उसके लिए एक रेड कलर की वायर लेंगे। वायर के एक एंड को हम कनेक्ट करेंगे आरसीसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे। ये आउटपुट टर्मिनल पे जहां लोड वाली हमारी वायर कनेक्ट की है वहां से ले लेना फेज। ये फेज वाली वायर कनेक्ट की है, और अब लेंगे हम एक ब्लैक कलर की वायर। वायर के एक एंड को हम कनेक्ट करेंगे आरसीसी के बी के इनपुट न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे, जहां हमने इनपुट न्यूट्रल लाकर के यहां कनेक्ट किया है। ये हो गया इनपुट न्यूट्रल वाली वायर को कनेक्ट हमने कर लिया है। और अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक बेल स्विच। बेल पुश जो होता है ये वाला, हमारे घंटे के लिए हम डोर बेल के लिए यूज करते हैं ये वाला स्विच, ये ले लेना आपको। और ये जो रेड कलर की वायर हमने कनेक्ट की है इसको हमको कोई भी एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेना है। और इसके बाद हमको लेना है एक रेड कलर की वायर, और ये वाली वायर का एक एंड को हमको कनेक्ट करना है। ये जो स्विच है इसके दूसरे टर्मिनल पे, इसमें हमको वैसे वाला भी स्विच लगा सकते हैं, लेकिन बेल जो स्विच है ये रिटर्न ऑफ हो जाता है। एक बार दबाएंगे तब तक ऑन रहेगा, और छोड़ते ही ये ऑफ हो जाता है, तो इसलिए हमको इसमें बेल पुश बटन का ही यूज करना है। और अब ले लेते हैं हम एक बल्ब होल्डर। ये जो बल्ब होल्डर है ये आपका टेस्ट के लिए यूज करेंगे। ये वाली वायर रेड कलर की बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे।
ये जो न्यूट्रल वाली वायर हमने कनेक्ट की थी, ये बल्ब होल्डर के दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ये हो गई रेड कलर की वायर, ये इनपुट फेज वाली वायर हो गई और ये इनपुट न्यूट्रल वाली वायर है। इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। और ये हमने आरसीसीबी में टेस्ट स्विच वायरिंग कंप्लीट कर ली है और अब हम आपको इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो इसके लिए हम लोड की जगह जो हमने बल्ब होल्डर लगाया है उसमें हम 100 वाट का बल्ब लगा रहे हैं। आपके घर का कितना भी लोड हो उस पर आप लोड की जगह आप यूज किया हमने 100 वाट का बल्ब। और ये जो टेस्ट बल्ब है इसमें हमको यूज करना है 15 वाट का फिलामेंट वाला बल्ब, जिसको हम 0 वाट का बल्ब बोलते हैं वो 15 वाट का होता है नॉर्मली, 10 से 15 वाट का। तो इसको हमको यहाँ लगा लेना है, ये हमारा यहाँ लग गया है। इसकी जगह आप एलईडी बल्ब का भी यूज कर सकते हो। पावर कनेक्ट कर ली है और अब हम आरसीसीबी को ऑन कर लेते हैं। हमने हमारी आरसीसीबी जो है वो ऑन कर ली है और ये वाला जो टेस्ट स्विच है इसको पुश करेंगे तो हमारी आरसीसीबी प्रॉपर वर्क कर रही है। हमारी ये जो आरसीसीबी है ये अभी तो वर्क कर रही है, लेकिन हमको ये तो नहीं पता कि हमारी आरसीसीबी जो है वो लीकेज करंट पे ट्रिप हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए हमने ये अलग से टेस्ट स्विच लगाया है और अब इसको टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। हम इसको ऑन किया और ये जो बेल पुश है इसको एक बार दबाएंगे तो ये देखिए आपकी जो आरसीसीबी है ये एकदम ट्रिप हो चुकी है, यानी कि हमारी आरसीसीबी ठीक है। बार बार इस स्विच को दबाएंगे तो हमारा ये जो आरसीसीबी है ख़राब हो जाएगी, लेकिन यहाँ से इसको अगर हम ट्रिप करवाते हैं बार बार टेस्ट करते हैं तो हमारी आरसीसीबी ख़राब होने के चांस कम हो जाते हैं। तो ये देखिए ये प्रॉपर वर्क कर रही है। ये वर्क इसलिए कर रही है जो आरसीसीबी होती है काम करती है। अगर हमारा जो ये करंट है यहाँ से आउटपुट में अगर फेज 1 एम्पियर जा रहा है तो रिटर्न न्यूट्रल में 1 एम्पियर आना चाहिए, तो हमने इसमें डिफरेंस कर दिया है या अलग से 15 वाट का, तो इसलिए अनबैलेंस हो गया। तो आरसीसी भी हमारी काम कर रही है। तो ये थी फ्रेंड्स आरसीसी भी टेस्ट स्विच वायरिंग। तो ओके फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर दबा दें। थैंक यू फ्रेंड्स।